हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज़ मानवी और आज के वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ की शेड्यूल की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम अगस्त में होना ही है। प्री का एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो प्री एग्ज़ाम अगस्त में होना है, तो मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगी कि आप जुलाई का जो मंथ बीच में रहेगा, कि जून तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो बस आपके पास जुलाई का ही मंथ है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क प्री प्री के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। हमें बस केवल जुलाई का ही महीना है, तो हम थोड़ा क्यों ना बात कर लें इसके बारे में कि ये जो महीना है हमारा, ये पूरा वेस्ट ना हो, इसको ही हम इस पर ही वर्क कर कर हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये पूरा हमारा सिलेबस लिखा हुआ है कि आरआरबी प्योर क्लर्क में सिलेबस क्या आना है। अब तक मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि अभी जून एंड होने पर आ गया है और जुलाई स्टार्ट होने पर आ रहा है, तो एक महीना जो हमारे पास बचा हुआ है, ओनली वन मंथ, उसमें आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने टॉपिक सारे कवर कर लिए होंगे। तो अगर हम बात करें इस मंथ की, जुलाई मंथ की, तो जुलाई में अगर हम इसको डिवाइड कर लें, पहले मैंने डिवाइड कर लिया 1 to 10 जुलाई, ठीक है, शुरुआत के 10 दिन। उसके बाद 11 to 20 जुलाई, उसके बाद और लास्ट में मेरे पास आता है 21 to 31 जुलाई, ठीक है। और उसके बाद जो जो हमारा एग्ज़ाम होगा, वो डेट जो हमें बस पता लगेगी बाद में, वो हम उसके बाद बस प्रैक्टिस करेंगे ऑफ मॉक्स, मिनी मॉक्स हम अपने आप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, जो आरआरबी का पेपर आता है भाई, वो बहुत इजी आ, सबको पता है बहुत इजी आता है। एग्ज़ाम में अगर आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा तो आप पूरा पेपर आराम से सॉल्व करके आ पाओगे, लेकिन हमारे पास क्या है, टाइम की कमी है। हमारे पास 45 मिनट्स हैं और हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑफ ईच रीजनिंग के भी सॉल्व करने हैं और क्वांट के भी सॉल्व करने हैं, 40 क्वेश्चन, राइट। टोटल हमारे पास 80 क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। तो जब हमारी स्पीड इंक्रीज होगी विद एक्यूरेसी, तो भी हम ये पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है जुलाई के महीने में। तो मैं आपको एक बहुत अच्छे से शेड्यूल बता रही हूँ, जो आप फॉलो करोगे आप डेफिनेटली एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो सारे सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको शुरुआत के 10 दिन यहाँ पर आपको 5 सेट्स सॉल्व करने हैं पजल टेस्ट के और सेटिंग अरेंजमेंट के। आप 5 सेट सॉल्व करो, उसके अलावा अल्फानुमेरिक सीक्वेंस के 3 सेट सॉल्व कर लो, कोरन डिकोडिंग के 3 सेट सॉल्व करो, इनइक्वालिटी और स्लॉग्स के 3 सेट सॉल्व करो, इसके भी 3 और इसके भी 3, स्लॉग और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 5 सेट सॉल्व करोगे शुरुआत के 10 दिन की अगर हम बात करें तो। आपके 10 दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपका जब नेक्स्ट 10 डेज शुरू होंगे 11 to 20 जुलाई के, उसमें आप इन सब का थोड़ा बढ़ा दोगे, आप इसके 10 सेट सॉल्व करोगे और इन सब के 5 सेट सॉल्व करोगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही आप स्पीड इंक्रीज कर पाओगे और इस प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी एक्यूरेसी भी यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके अलावा जब आपके ये 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट 10 डेज आएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी पजल टेस्ट की 15 और सिटिंग अरेंजमेंट के 15 सेट लगाने हैं। बाकी इन सब क्या, 5-5 ही लग रहने दो, 5-5 सही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम कम आती हैं। वेटर्स की अगर हम बात करें तो आधा पेपर आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से आएगा, आधा आपका बाकी सारे क्वेश्चंस, बाकी सारे मिसलेनियस टॉपिक से आएगा, राइट। तो आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करी हुई है यूट्यूब पर ही। आप उसमें हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, मिनी मॉक सॉल्व कर रहे हैं सिलेक्शन सीरीज में, आप उसको कंटिन्यू वॉच करो, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। उसके अलावा पजल का एक सीरीज चल रही थी, पजल सीरीज, उस वो भी हम लोगों ने काफ़ी उसमें पजल सॉल्व किए हैं प्री लेवल की, तो उसको भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो आपके पास टाइम बच रहा है, आपके पास 31 जुलाई के बाद टाइम बचेगा आपका पेपर आने तक का, तो वहाँ पर आप क्या सॉल्व करोगे, आप मॉक सॉल्व करोगे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने यूट्यूब पर सॉल्व भी कर लिए हैं, मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उसको वॉच करो। प्रीवियस ईयर में हमने 3 ईयर के पेपर सॉल्व करे हैं, 2021 के, 20 के और 19 के, दोनों सॉल्व करे हैं, सेट पीओ के भी करे हैं और क्लर्क के भी करे हैं, तो आपको वहाँ से वो देखने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा 100%। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपको रीजनिंग के साथ साथ आपको क्वांट की भी सेम ही प्रैक्टिस करनी है। जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको डिवाइड कर लो इसी वाले मेथड से, जैसे कि आपने सिंप्लीफिकेशन ले लिया और अर्थमेटिक का पोर्शन ले लिया, तो सिंप्लीफिकेशन के आपको डेली 10 to 15 क्वेश्चन बनाने हैं, उसके बाद इंक्रीज कर दो, आप उसको बढ़ा दो क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो ताकि आप कम से कम टाइम में उसको सॉल्व कर पाओ। ऐसे जो आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं आप उनको
डेली 10-10 क्वेश्चंस हर टॉपिक के आपको सॉल्व करने हैं, तो ही आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये मेरे हिसाब से अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छा अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मेंस लेवल का कंटेंट चाहिए तो आपको मेंस ऐप पर मिल जाएगा। ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा आई होप अब तक। तो यहाँ पर आपको मेंस का क्रैश कोर्स मिलेगा जिसमें हम 30+ वीडियो सॉल्व की हुई हैं। ये वही टॉपिक्स हैं जिसकी जिसकी क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप इसको ऐप पर जाकर जरूर से एक बार एक्सेस करो, एक बार देखो, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा फॉर मेंस। क्योंकि देखो जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं भाई एग्ज़ाम के लिए, वो पहले दिन से तैयारी शुरू करते हैं प्री के साथ साथ मेंस की। तो अभी जैसे आपका एग्जाम प्री का आने वाला है तो आप मेंस का तो पढ़ रहे होगे, ऑब्वियसली बात है, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होगे। मेंस की आप पजल सॉल्व करो, एक या एक कर लो चाहे तो। मेंस का कोई DI सॉल्व करो। मैथ्स की अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने हैं। डेली पढ़ोगे तो ही आप मेंस के लिए आप अच्छा स्कोर कर, मेंस में आप क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन अगर अभी आपका क्या है प्री पास में आ रहा है तो मेंस का आप टाइम थोड़ा सा कम करके प्री में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि प्री निकलेगा तभी आपको मेंस देने का चांस मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब मेंस में लग गए तो प्री को देख ही नहीं रहे, प्री तो निकल जाएगा। नहीं, आपको प्री की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब मेंस का जो आपको टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है दिन में, आपने मान लो इतना आपने पढ़ लिया, आपने मानो आज 1 जुलाई है, आपने सारी चीज़ें कवर कर ली, पजल कर लिए, सिटिंग अरेंजमेंट कर ली, मॉक टेस्ट दे लिया, मैथ्स क्वांट के टॉपिक्स कवर कर लिए, अब आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एक मेंस का कोई टॉपिक चाहे तो DI चाहे तो अपना पजल लेके सॉल्व करो। और CE का तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है, आपको वो तो पढ़नी ही पड़ेगी। आपको रोज़ एक वीडियो मिलती है डेली करंट अफेयर्स की, आप वो आप देखो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अपना कोई टॉपिक ले लो मेंस का, वो सॉल्व करो। उसके नेक्स्ट डे मान लो आपने, फिर नेक्स्ट डे आप 2 जुलाई आती है, आप फिर से टॉपिक्स ले लो, कवर कर लो, क्वांटिटी टॉपिक्स कवर कर लो, उसके बाद आप फिर मेंस का टॉपिक उठाओ। लेकिन अभी आपको क्या करना है, प्री पर ही फोकस करना है, प्री की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। प्री की प्रैक्टिस करोगे तो ही आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हो पाओगे, प्री क्वालिफाई करोगे तो ही आप मेंस दे पाओगे, राइट। तो आपको प्री की प्रिपरेशन अभी के लिए इस महीने के लिए ज़्यादा करनी है, मेंस की थोड़ी सी थोड़ा टाइम आप मेंस के लिए आप कम कर लो। उसके लिए अभी CA तो पढ़ना है, बट आप बाकी टॉपिक्स के लिए कम करो। प्री जैसी हो जाए आपका, आप फिर मेंस पे की पूरे लग के तैयारी स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये वाला मंथ जो आपको जुलाई वाला मंथ है, वो आपको प्री की पढ़ाई करने के लिए ही आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि आपका मेंस का क्रैश कोर्स है जो आपकी जो कर, जो कि आपको ऐप पर मिलेगा। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाती है। और अगर आपको कोई डाउट है रीजनिंग का, कोई आपको पजल नहीं समझ आ रही क्या करना है कैसे करना है, कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप इस वाली ईमेल आईडी पर caf.manvi@gmail.com यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। मैं आपका डाउट का सलूशन आपको वीडियो फॉर्मेट में आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएगा। तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, सिलेक्शन सीरीज की वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।